Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मैं सरीश शर्मा फिर से आया हूँ एक नया ब्लॉग लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी एक रेस्टोरेंट में हूँ जिसका नाम है फूड जंक्शन। जी हाँ, फूड जंक्शन जो यहाँ पर प्लैनेट में है और पैराडाइज सिनेमा हॉल है, जो कि पता नहीं खुला है कि नहीं खुला है, हम वहाँ जाते हैं नहीं तो सॉरी मतलब हाँ पैराडाइज के ऑपोजिट में है। पैराडाइज के ऑपोजिट आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बस किसी से ही पूछेंगे फूड जंक्शन कहाँ, तो वो आपको बता देगा। यहाँ का थोड़ा मोड़ा फेमस है गाइस, उतना भी मतलब कुछ बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, छोटा सा है, दो एक फ्लोर का। नीचे खाना बनता है और ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये सीट वगैरह वहाँ पर, और सामने में जिसपे मैं बैठा हूँ अभी, और ये इसका जगह है जहाँ से एंट्री होता है, वो सीढ़ी है, सीढ़ी से एंट्री लेकर ऊपर आते हैं, ऊपर यहाँ पे खाना। तो जैसा कि अभी हम मेन्यू देख रहे हैं तो आपको भी मैं दिखाता हूँ कि मेन्यू में क्या क्या है, तो आप भी थोड़ा देखिए। और अगर आप भी अगर यहाँ पे आए तो प्लीज़ कमेंट में ये बताइए कि आपको यहाँ का डिश कौन सा पसंद है, या आप अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ये भी बताना कि आपको यहाँ का कौन सा डिश ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लिखते पहले मेन्यू। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने मेन्यू अभी बता दिया आप सबको, तो आप ज़रूर इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, पॉज कर कर या थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मेन्यू में बहुत सारे डिशेज वहाँ पे लिखा हुआ है। और थुपका मोमो, पता नहीं कौन सा मोमो था, वो भी यहाँ का स्पेशल ही होगा शायद, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि वहाँ पर स्पेशल भी कुछ था। तो गाइस, हम लोगों का खाना ख़त्म हो चुका है, आप देख ही पा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो सब खाना ख़त्म हो चुका है और मेरे पास मेरा बिल भी आ चुका है, बहुत जल्दी लोग। तो देखते हैं मेरा बिल क्या है। सबसे पहले मैं अपना ऑर्डर बता दूं, एक चिकन नूडल मंचूरियन, चिकन मंचूरियन मोमो, चिकन मोमो और एक कोल्ड ड्रिंक। तो ये मेरा ऑर्डर था, तो मेरा टोटल बिल हुआ है 490, जिसका मैंने बिल पेमेंट भी कर दिया, तो 490 मेरा बिल हुआ है, सबका कुल टोटल हो रहा है मेरा 490। तो ठीक ही है, ख़राब है नहीं, और क्वांटिटी भी अच्छा ही था जिससे दो आदमी तो आराम से खा ले, बट दो आदमी 490 में खाए हैं। तो मैंने धर्मतल्ला अगर आए शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो आपको कम बजट में अच्छा से रेस्टोरेंट टाइप खाना वगैरह और जिसमें टेस्ट भी रहेगा तो आप वो खा सकते हैं, और वो भी क्वांटिटी के साथ। तो आप प्लीज़ अपने फैमिली या किसी के साथ भी विजिट करें यहाँ पर, और ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आके खाएँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।